हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे बोर्ड की तरफ से, चेन्नई बोर्ड की तरफ से एक न्यू नोटिस जारी किया गया है। इसके अंदर आपके वैलिड एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रह सकती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद के अंदर जो यूआर, ओबीसी, एससी और ये जो टोटल फॉर्म फिल किए गए थे अहमदाबाद के अंदर, वो 461,677 जो हैं वैलिड एप्लीकेशन थे। ये आप सभी देख सकते हैं 21 के 21 जो इनके बोर्ड हैं उनके सभी के अंदर जितने भी वैलिड एप्लीकेशन थे उन सब के बारे में आपको बताया गया है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि किस जोन के अंदर कितना कंपटीशन रह सकता है। लेकिन इसी के दूसरे तरफ आरआरबी ने यह भी बताया है कि जो वैलिड एप्लीकेशन है उनसे मात्र 48 या 50% ही कैंडिडेट हैं जो अपने एग्ज़ाम को देने के लिए गए हैं। यानी कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो वैसे ही आधा हो गया है। अब जैसे कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम फिल हुआ था उसके अंदर 1,00,00,000 जो स्टूडेंट थे उन्होंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन जो एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं कैंडिडेट वो सिर्फ आधे ही कैंडिडेट पहुँचे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब वो कुछ भी रह सकता है उनकी वजह, जैसे कि कोविड रह सकता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई है कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं जा पाए हैं, लोगों को कहीं ना कहीं डर था कि हमें कोविड ना हो जाए, इसकी वजह से जो है इसमें अपीयर्ड कैंडिडेट की जो क्वांटिटी है वो कम रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर अपीयर कैंडिडेट की जो क्वांटिटी है वो आधी हो गई तो आपकी कट ऑफ पर असर पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम है। और अगर 50-60 लाख कैंडिडेट ने भी एग्ज़ाम दिया है तो उस हिसाब से कट ऑफ आपकी अच्छी रहेगी, वो ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा ही ज़्यादा होगी। आपको आपका अगर एग्ज़ाम हो चुका है और आपको अगर लगता है कि भाई जो कट ऑफ है वो मैं क्लियर कर जाऊंगा, तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि CBT 2 के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 2 से 3 हफ्ते आपको दिए जाएंगे CBT 2 के लिए, जैसे इन्होंने जूनियर इंजीनियर के लिए सिर्फ 12 दिन दिए थे सेकंड एग्ज़ाम के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी NTPC में भी ये 12 से 14 दिन ही आपको देंगे सेकेंड पेपर के लिए। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको ढीला ना छोड़ें। अगर मैं इस वीडियो में बात करता हूँ कि NTPC का 7th phase का एग्ज़ाम कब तक होगा या RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो RRC ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो NTPC के बाद ही होगा, ये निश्चित है, उससे पहले नहीं हो सकता। और जो NTPC का एग्ज़ाम है वो आपका जून के लास्ट तक आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका NTPC का 7th phase का एग्ज़ाम है जो वो कब तक होगा। हम इस वीडियो में कंपटीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो जो हाईएस्ट फॉर्म फिल वाली जोन रही हैं उसके अंदर चंडीगढ़ और इलाहाबाद के अंदर 18 लाख के समथिंग, चंडीगढ़ के अंदर 11 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं, मुंबई के अंदर भी 11 लाख और सिकंदराबाद के अंदर भी 11 लाख फॉर्म जो हैं फिल किए गए हैं। तो ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ जोन्स ऐसे हैं, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनके अंदर 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म जो हैं फिल हुए हैं। तो इनके अंदर अब ये भी हो सकता है कि इनकी अटेंडेंस कितनी रही है, ये भी हो सकता है कि इनकी अटेंडेंस ज़्यादा रही हो तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली जाए 1-2 नंबर। ऐसा तो नहीं है कि 100 में से आपकी कट ऑफ 85 चली जाएगी या 90 चली जाएगी, कट ऑफ एक वाजिब रेंज में रहेगी, क्योंकि अभी इसके अंदर CBT 2 भी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, तो उसके अंदर मेडिकल भी है, तो काफ़ी बंदे उसके अंदर भी निकल जाते हैं, तो ये अपने हिसाब से कट ऑफ को एनालाइज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि रेलवे की
जितनी भी नोटिफिकेशन आए या फिर नोटिस आए उससे आप पल पल अपडेट रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।